अधिकारी कासगंज द्वारा भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों से दुर्व्यवहार करने के संबंध में प्रदेश सचिव अरुण चौहान ने एसपी साहब को एक ज्ञापन सौंपा। थाना प्रभारी विनोद मिश्रा से केस के संबंध में भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी थाना प्रभारी से मिलने पहुंचे तो थाना प्रभारी विनोद मिश्रा ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसकी वीडियो पदाधिकारियों ने मोबाइल में बना ली। मामले की जानकारी प्रदेश सचिव अरुण चौहान को मिली। उन्होंने तत्काल सभी पदाधिकारियों को बुलाकर एसपी साहब को एक ज्ञापन सौंपा। कासगंज पदाधिकारियों ने मांग की है कि थाना प्रभारी कासगंज विनोद मिश्रा तत्काल हटाए जाए, क्योंकि उनके द्वारा भारतीय किसान भानु के पदाधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदेश सचिव अरुण चौहान ने मांग की है कि थाना प्रभारी विनोद मिश्रा को हटाया जाए, कासगंज एसपी साहब मामले को संज्ञान में ले। अगर भारतीय किसान यूनियन भानु की मांग नहीं मानी गई तो कासगंज में धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार कासगंज प्रशासन होगा। जिला अध्यक्ष कासगंज ब्रजेश चौहान ने कहा है कि सभी पदाधिकारी आंदोलन के लिए तैयार है। आपने किस विषय पर ज्ञापन दिया आज? आज हमने कासगंज में एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे युवा जिला अध्यक्ष जय चौहान, विकास बुलाजी और मैं प्रदेश सचिव अरुण चौहान कल कासगंज पहुंचवाल विनोद मिश्रा जी से मुलाकात की एक केस के संबंध में। जब हमने उनसे मुलाकात की, उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी थी और इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। हमने कप्तान साहब से यह मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल वहां से हटाया जाए। भारतीय किसान भानु के पदाधिकारियों बहुत आक्रोश से देखते हुए और इन्हें जल्द से जल्द थाने से हटाया जाए। नहीं अगर